के अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। बहुत बहुत आप सभी को मुबारकें भी कि आप हर रोज आते हैं, जीतते हैं हमारे साथ, खेलते हैं और बाप की दुआओं का, सर के आशीर्वादों का अनुभव करते हैं, स्वयं को भी ज्ञान रत्नों से करते हैं भरपूर और होते हैं खुद भी चार्ज्ड और विश्व में फैलाते हैं श्रेष्ठ वाइब्रेशन। तो विश्व की आत्माओं की भी दुआएं आपको स्वतः ही मिलती रहती हैं। तो इतनी दुआओं में पलने वाली महान आत्माओं का बहुत बहुत हम करते हैं दिल से स्वागत, अभिनंदन, फिर एक बार बहुत बहुत आपको बधाइयां। तो चलिए जो हमारी रस्म है करते हैं पूरी, कल के मुरली करेंगे रिवाइज ताकि ऐसा ना हो आगे बढ़ते जाए और पीछे का सब कुछ भूलते जाए। तो कल बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया था कि शिव बाबा का मन कर कोई भी भूल नहीं करना, भूल करने से बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, कई बार हम समझते हैं हमारी ही सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, इतनी सारी आत्माएं हैं संभालने के लिए, स्वभाव संस्कार हैं, लेकिन कल बाबा ने हमें बताया शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब त्वमेव माता जब पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं, परंधाम में कोई प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ तो खेल चलता ही नहीं है, खेल तो नीचे चलता है। इसलिए जब परमात्मा नीचे आते हैं ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तो वो प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करूँ तब सबसे बड़ी प्रवृत्ति मेरी है, क्योंकि मेरे तो सारे बच्चे हैं और मैं मात पिता, तो फिर प्रवृत्ति हुई ना, प्रवृत्ति वाला हुआ ना मैं भी। तो बाबा कहते हैं भारत खास और दुनिया आम ये तो जानते नहीं कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है कि प्रवृत्ति वाला है, कहते भले हैं पुकारते हैं तो मेवा माता चपिता, लेकिन जानते कुछ नहीं है। साथ ही साथ बाबा ने कल हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि बस हमें अटेंशन रखना है, कोई भी भूल नहीं करनी है, क्योंकि बाप का नाम बदनाम होगा तो कितनी बड़ी सजा हमें मिलेगी, हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। बाबा कहते हैं बस हर बात में ड्रामा याद रखो, ये बात भी याद रखो अब कल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग में स्वयं कल्याणकारी बाप हमारे सम्मुख है, हमारा अकल्याण किसी भी बात में हो ही नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक्का फूल नहीं बनना है। बाबा कहते वैरायटी फूल है सदा गुलाब, गुलाब अक। अब डिपेंड करता है हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बाबा कहते इसलिए अक्का फूल मत बनो, सदा गुलाब बनो, उसके लिए पढ़ाई पर रखो पूरा अटेंशन, और अगर बाप दादा की शिक्षाएं समय पर याद आ जाए तो ही समझना मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। ये निशानी है बाप दादा की शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। तो करना है हमें तीव्र पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ नहीं, इसके लिए करना है हमें सबको रिगार्ड देने का, रिकॉर्ड बनाने का अभ्यास। बाबा कहते हैं सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक करने वाले सर के स्नेही भावा, जितना जो सभी का रिगार्ड देता उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है, जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हुए सबके स्नेही बन जाते हैं, इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। तो हमने कल की मुरली से मुख्य शिक्षाओं को फिर एक बार किया है रिवाइज और तैयार हैं आज की मुरली से रखने के लिए आपके सामने 10 नए सवाल, और आप भी तैयार हैं 10 नए सवालों का देने के लिए सही जवाब और जीतने के लिए मास्टर मुरलीधर का ताज। तो करते हैं शुरुआत और रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से, यानी 9/11/21 की मुरली से पहला सवाल। स्वीट फादर और स्वीट राजस्थानी को याद करो तो बहुत बहुत क्या बन जाएंगे? चार ऑप्शन, ऑप्शन है पावन, ऑप्शन बी पतित, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी स्वीट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही ऑप्शन डी स्वीट। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कल पहले मुआफ़िक दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब पहले प्रश्न को और जीत गए हैं आप 10 पॉइंट्स।
तो जिसके लिए आपको मिलती है ढेरों ढेर बधाई और साथ ही साथ आपके अपने 10 पॉइंट्स आपके खाते में जमा होते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते आगे रखते आज के मुद्दे से दूसरा प्रश्न आपके लिए। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं, बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में किसके आकर्षण है? चार ऑप्शन, ऑप्शन है श्रेष्ठ कर्म, ऑप्शन बी पवित्रित, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी श्रृंगार। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही जवाब है ऑप्शन बी पवित्रता। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फिर से आप सभी को बधाइयां। दूसरे सवाल का भी दिया है बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने, तो जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। फिर से आपकी झोलियां भर गई हैं 10 पॉइंट्स से। और अगर लगातार दो प्रश्नों का दिया सही जवाब, तो फिर तो आप 20 पॉइंट से संपन्न हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब चलेंगे आगे रिवाइज करते हुए। मीठी मुरली को बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। क्योंकि जैसा जिसको हम याद करते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते। याद करने अर्थात चिंतन करना, जब चिंतन करते हैं तो फिर वैसा ही हम बनते चले जाते। इसलिए स्वीट फादर और स्वीट राजधानी का जितना चिंतन, जितना उसको याद करेंगे, उतना हम उसके समान स्वीट बनते जाएंगे। तो मुरली से गहरी शिक्षा ही ले ली। अब बारे आगे पढ़ने की रखने की। तीसरा सवाल, प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़ें, आराम से जवाब दें। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर वित्तर में भगवान है तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए पाप कटेश्वर, ऑप्शन बी पुजारी, ऑप्शन सी भक्त, ऑप्शन डी सूर्यवंशी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन डी सूर्यवंशी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। तीसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और किया है फिर से कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और मुबारक हो, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ लेते लेते बढ़ चलते आगे रखते आज की मुरली से चौथा प्रश्न। अब बाप आए हैं ऊंची मत्ते में, नेचर क्योर की भी बहुत दवाएं करते हैं, वह है सब अल्पकाल के लिए या 21 जन्मों के लिए, क्या है? चार ऑप्शन, ऑप्शन नेचर क्योर, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी पवित्रता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही ऑप्शन है नेचर की ओर। तो फिर एक बार मुबारक हो जी, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 40% खेल तो पूरा हो गया क्योंकि आपने चौथे प्रश्न का भी दे दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपने कर लिए हैं अपने नाम। और अगर लगातार एकदम धैर्यता के साथ बाप की याद में खेला होगा खेल, चार प्रश्नों का भी दिया होगा सही जवाब और 40 पॉइंट से संपन्न हो गया। तो 40 गुना आपको बधाइयां है क्योंकि आप बहुत समय पहुंच रहे हैं अपने मंजिल के। बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए, मंजिल आपके पास खुद चल कर आएगी। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे, लेकिन करेंगे मीठी मुरली को रिवाइज। बाबा कहते हैं, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं, बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खिंच कर जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बन जाते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदल जाती है,
लोग आर्टिफिशियल मेकअप कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, सूरत बदलते हैं। बाबा कहते तुम्हें मैं ऐसा ज्ञान स्नान करवाता, ये मुरली जादू है जो जो है तुम्हें तुम्हारी सीरत को बदल देती है और तुम ज्ञान की परी परियाँ बन जाते हो और जो भी तुम्हारे अंदर अवगुण है वो निकल जाते हैं। क्योंकि देवताओं में आकर्षण करने वाली चीज सिर्फ पवित्रता ही है, जिसकी वजह से आज भी दूर दूर से उस मंदिर की तरफ आत्माएं आकर्षण वश होकर पहुंच जाती हैं दर्शन करने के लिए। तो देवताएं पवित्र होते हैं, इसलिए बनाए स्वयं को पवित्र। तो चलिए, बहुत ही मीठी शिक्षाएं लेने के बाद पढ़ चलते आगे, रखते पांचवा प्रश्न। सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है, फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाएं मिलती है, राजाएं कहाँ होती है? चार ऑप्शन, ऑप्शन है सत्युग में, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी ब्रह्मा का दिन, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बधाई हो, बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो। तो देखते ही देखते 50% खेल तो पूरा हो गया है, यानी पांच प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ। अब आने वाले आपके सामने नए पांच सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आपके पास जो इकट्ठे पॉइंट्स होंगे, अगर 80, 90 और 100 पॉइंट्स हो जाते तो आप ताजधारी बन जाएंगे। तो चलिए चलते आगे, रखते हैं आज के मुद्दे से छठवां प्रश्न। अब बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, सबसे जास्ती नंबर वन भगत या दादा था, फिर ब्रह्मा कहो या किसकी आत्मा कहो। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए गरीब नवाज, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण। तो मुबारक हो और फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। दिया है छठे प्रश्न का भी बहुत ही प्यार से जवाब और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट। तो मुबारक हो और मुबारक हो, बधाइयां। तो चलिए, 10 पॉइंट लेने के बाद ज्ञान से भी होते हैं संपन्न, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। बाबा कहते हैं स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। कितना सहज है, अनेकों को याद करना आसान है कि एक को याद करना सहज है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है शुरू में। उसके लिए श्रीमत पर चलना है और बाबा को बड़े ही प्यार से स्वीट बाबा को स्वीट तरीके से याद करने का करना है पुरुषार्थ, और सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, झूठा नहीं। जो बात है वो बात बाबा को सच्ची रीति बतानी है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है, भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। पुरुषार्थ कर क्या बनना है? संपूर्ण बनना, लक्ष्य बाबा याद दिला रहे, लक्ष्य याद दिला रहे, ये भी याद दिला रहे, पुरुषार्थ करो तो संपूर्ण बनोगे। भारत को पावन बनाने की सर्विस भी करनी है, सेवा की भी पॉइंट सुनाई, और बाबा कहते किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, क्या क्यों कैसे विकल्प नहीं होने चाहिए, निश्चय बुद्धि बनकर आगे बढ़ते जाना है। तो मीठी शिक्षाएं मुरली से लेने के बाद बारी रखने के साथ वह प्रश्न आपके सामने। कितने सेंटर्स हैं? तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, ना कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखाता है सत्युग में कोई क्या नहीं होता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी देव। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही जो ऑप्शन डी शास्त्र। तो मुबारक हो, फिर एक बार बधाई आप सभी को, दिल की दुआएं, दिल की मिठाइयां। दिया है सातवें प्रश्न का सही जवाब, 10 पॉइंट्स आ गए आपके पास।
तो मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। हो सकता है 70 पॉइंट्स आपके पास, क्योंकि लगातार 7 प्रश्नों का आपने दिया है सही जवाब। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है, महावीर किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी हनुमान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन डी हनुमान। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। दिया है 8वें प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। और अगर 80 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो ये सिल्वर क्राउन आपका हो गया है, तो इसके लिए और भी बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। तो चलिए बधाइयां तो ले ली है, ज्ञान लेते हैं, बाबा कहते हैं साधन यूज करते, उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बने। ऐसा नहीं है कि साधन यूज करना छोड़ देना है या कुछ भी छोड़ देना है, सब कुछ यूज करना है, लेकिन न्यारे बनकर यूज करना है और बाप के प्यारे बने रहना है। तो अब बढ़ते आगे, रखते आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न है, बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है, बाप को जानते ही नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को क्या कितना है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए अहंकार, ऑप्शन बी देह अभिमान, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी लोभ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ने तो बताया, हम भी बता दें, ऑप्शन ए अहंकार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत फिर से बधाइयां आप सभी को कि दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल आपने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक जी, मुबारक। तो चलिए मुबारक है तो लेते लेते आपको ये भी बता दें, अगर 90 पॉइंट्स आपके पास है तो गोल्डन क्राउन आपने कर लिया है अपने नाम। तो बधाई हो, बधाई हो। अब बढ़ेंगे आगे, करेंगे इंतजार को खत्म और रखेंगे सीधे आपके सामने आज का अंतिम सवाल। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे, जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते, समझते सजाएं खाकर फिर आकर क्या बनेंगे? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बादशाह, ऑप्शन बी मुक्त, ऑप्शन सी भूत, ऑप्शन डी बबोरची। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन डी बाबू रची। तो मुबारक हो, मुबारक हो और फिर एक बार आप सभी को बधाइयां कि दिया है बिल्कुल सही जवाब और किया है फिर से कमाल। तो मुबारक हो, 10 पॉइंट्स आ गए आपके पास। और अगर 80, 90 और 100 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स आपके पास है तो बन चुके हैं ताज, थारी आपके सिर पर सज चुका है ताज। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, 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 मुबारक है जी, मुबारक है। तो चलिए अनुभव करते हैं आज सूक्ष्म रूप में दादी जानकी जी का, फील करें दादी जानकी की दृष्टि को और अनुभव करें दादी की दृष्टि से संपन्न होने के बाद दादी सूक्ष्म रूप में हमें वरदान दे रहे हैं मास्टर मुरलीधर भवा। अब दादी ने बड़े ही प्यार से हमारे सिर पर ताज सजाया और अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। हम शक्तियों से, वरदानों से संपन्न अनुभव कर रहे हैं स्वयं को, ऐसा फील करें।
और अनुभव करें कि आप कितने शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो दादी से सूक्ष्म रूप में आपने वरदान लिया, दुआएं ली, तो बहुत बहुत मुबारक हो और बधाइयां। तो चलिए बिनी बधाइयों के साथ हमें तो दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।